आज आप लोगों का साथ थ्री टाइप्स समर ड्रिंक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप लोग ऐसे आसान से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। मामीज किचन में आप लोगों बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे पहले तैयार करेंगे मार्शमेलन ड्रिंक्स। देख पा रहे कितना डिलीशियस। सबसे पहले हम एक मार्शमेलन लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसे हम अच्छा से धो लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने अच्छा से धोकर पोंछ ली। अब देखिए इसका जो ऊपर का हमें थोड़ी सी पार्ट्स इसे हम काट कर निकाल लेंगे और इसका बीचों बीच हम काट लगाएंगे। अब देखिए इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में काटने का बाद यहाँ पर इसका जो बीचों बीच हमें सीड्स इसे हमें चाकू से इसे हटा लेंगे और इसे भी और छोटे छोटे पीसेस में हम काट कर तैयार करेंगे। सबसे सब पीसेस काट ले, फिर इसे एक जार ले जिसमें हम सारे पीसेस यहाँ पर काट कर डाल देंगे। इसका जो बाहर कड़क पार्ट इसे हमें हटा लेंगे और इसका जो अंदर पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट इसे हमें लेंगे जिसमें हमें ड्रिंक्स तैयार करेंगे। आप देखिए यहाँ पर सारे मार्शमेलन पीसेस को हमें जार में डाल देंगे और साथ ही साथ हम कुछ आइस क्यूब यहाँ पर डालकर एक ग्लास करी पीस यहाँ पर हम दूध ऐड कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पर हमें थोड़ी मिठास कर ले, यहाँ पर हमें 3 से 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। आप लोगों को जितना मीठा पसंद आप वो हिसाब से ज़्यादा क्वांटिटी या कम कर सकते और आप चाहे तो बिना शुगर से भी इसे तैयार कर सकते। फिर हमें इसे कवर कर लेंगे और इसे हमें पीस कर तैयार करेंगे। एक स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए, फिर हमें 5 मिनट करीब इसे हमें तैयार करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आप चाहे तो ऐसे लम्स है तो आप छान कर भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे छान कर इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्लास में हम डालने का बाद और थोड़ी ठंडा ठंडा चाहिए तो आप वापस आइस क्यूब यहाँ पर डाल सकते और आप ऐसे नॉर्मल एंजॉय करना चाहिए तो नॉर्मल भी से एंजॉय कर सकते। अब देखिए और थोड़ी ठंडा ठंडा के लिए मैंने यहाँ पर और आइस क्यूब डाल दे रहा हूँ। जाकर आजकल बच्चे लोगों को बिना ठंडा से कुछ भी नहीं चलता है, इसलिए मैंने और 2-4 पीस आइस क्यूब डाल ली और साथ साथ हमें इसे पुदीना डालकर इसे हमें ठंडा ठंडा एंजॉय करेंगे। देखिए आप लोग जब भी बाहर जाते हैं ना समर सीजन में, जब भी घर पे आएंगे ना तभी मन करता है ऐसे कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, आत्मा ठंडक मिल जाए। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे तैयार कर एंजॉय कर सकते। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे होंगे और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखे और बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए फिर वापस हम तैयार करेंगे समर वाटरमेलन ड्रिंक्स जो कि बिल्कुल इजी तरीके से इसे भी हम तैयार करेंगे और आप ऐसे भी तैयार एंजॉय कर सकते तैयार करते हुए। फिर देखिए सबसे पहले हम आधा यहाँ पर आप लोगों दिखाने के लिए इसे बनाऊंगे जो कि आप लोग आसान से बना सकते। सबसे पहले हम ऐसे स्पून लेंगे जिसमें हमें इसे हमें छोटी छोटी वाटरमेलन बॉल्स तैयार करेंगे जिसमें हमें सर्व करने का टाइम थोड़े यूज़ करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते। फिर मैंने यहाँ पर 5 से 7 ऐसे वाटरमेलन बॉल्स तैयार करूँगी जो कि मैं थोड़े से आप लोगों को दिखाऊँगी कि आप लोग ऐसे भी सर्व कर सकते और बिल्कुल आसान तरीक़ा से। देखिए यहाँ पर हमें ऐसे बॉल्स निकाल लेंगे जो कि आसानी से ये बॉल्स निकाल जाते हैं। हमें बाद में जब भी ड्रिंक्स में इसे डालेंगे तभी इसका जो सीड ही हमें वही टाइम पे निकालेंगे। अब खाली बस इसका जो बॉल्स हमें इसे हमें निकाल लेंगे। वापस हमें जो वाटरमेलन का पीसेस यहाँ पर सीड निकाल कर एक जार में डाल देंगे।
सारे पीसेस यहाँ पर डालने के बाद मैंने यहाँ पर आधा वाटरमेलन से इसे बनाऊंगी। आप चाहे तो एक वाटरमेलन से इसे तैयार कर सकते, आपको क्वांटिटी बढ़ाना है तो कम ज़्यादा कर सकते। यहाँ पर हमें और थोड़े मिठास के लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे। आप लोग ऐसे शुगर फ्री बनाना चाहे तो बिना शुगर से इसे बना सकते। अब देखिए यहाँ पर हमें चुटकी भर नमक डालकर पीस कर तैयार करेंगे। जब इसे पीस जाए फिर इसे हमें एक स्ट्रेनर लेंगे जिसमें हमें इसे छान कर इसे हमें जूस निकालेंगे, ताकि इसमें जो बड़े बड़े दाना और सीड वगैरह रहता है ना वो आसान से अटक जाता है। और देखिए यहाँ पर हमें एक स्पून लेकर सारे जूस यहाँ पर हमें निकाल लेंगे। देख पा रहे इसका ऊपर जो हमारा जो वाटरमेलन का जो सीड्स और बड़े बड़े दाना रहता है ना वो स्टेनर में रुक जाता है। और देखिए सारे हमें जूस यहाँ पर निकाल लेंगे, इसे प्रेस कर लेंगे ना अच्छा से, जूस सारे नीचे आ जाएंगे और जो बाकी हमारा जो बड़े बड़े दाना और सीड वगैरह इसमें स्टेनर में रुक जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे अच्छा से मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे हमें साइड में रख लेंगे और हमें जो वाटरमेलन बल्ब्स निकाले थे ना इसमें एक एक सीड से इसे हमें एक स्टिक लेंगे जिसमें आसानी से इसका सीड हटा लेंगे। अब देखिए सारे बल्ब्स में हमें सीड हटा लेंगे। फिर हमें वापस एक जार या ग्लास लेंगे जिसमें हमें आधा से आधा नींबू इसे हमें निचोड़ के छिलका का साथ इसका अंदर डाल लेंगे और साथ साथ हमें वाटरमेलन बॉल्स यहाँ पर डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ठंडा ठंडा के लिए यहाँ पर हमें कुछ आइस क्यूब यहाँ पर डाल लेंगे। अब हमें इसमें सारे जूस यहाँ पर डाल देंगे। इसे हम स्पून से अच्छा से मिलाएंगे ताकि हमारा नींबू का रस और आइस अच्छा से घुल जाए और इसमें थोड़ी सी खट्टा सा आए, मीठा सा आए। अब हमारा जो समर के लिए वाटरमेलन ड्रिंक्स अब हो चुकी तैयार। आप ऐसे बनाकर एंजॉय कर सकते। देखिए इसमें हम एंजॉय कर सकते। आप देख पा रहे हमारा जो समर स्पेशल वाटरमेलन ड्रिंक्स अब तैयार एंड एंजॉय। आई होप आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगे। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, अच्छा ना लगे तो फिर भी मुझे कमेंट में लिखें ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। और देखिए साथ साथ आज हम तैयार करेंगे मैंगो ड्रिंक्स, आप इसे मैंगो फ्रूटी भी बोल सकते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक टोक लेंगे, यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल लेंगे और गैस ऑन करते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाएंगे जब पानी में उबल आए। यहाँ पर देखिए मैंने मैंगो का पल्प आइस क्यूब में इसे जमा कर ली थी और इसे हमें मैंगो आइस क्यूब तैयार कर ली। इसे हमें एक प्लास्टिक डब्बा में भरकर 1 साल के लिए मैंने फ्रीजर में रख ली। जब भी मन करे इसे हम बाहर निकालें और इसे हमें पानी अच्छा से उबल ले और ये अच्छा से उबल जाए फिर थोड़े ठीक हो जाए इसे तब तक पकाए। जब ये थोड़े ठीक होने के बाद इसका जो मैंगो कलर आ जाए फिर इसे हमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लेंगे और आधा घंटा के लिए फ्रिज में ठंडा होने देंगे। जब अच्छा से ठंडा हो जाए इसे हमें एक जार या ग्लास में इसे हमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ साथ हम कुछ आइस क्यूब डालकर इसे हमें ठंडा ठंडा मैंगो ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते। आप चाहे इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर ले
ताकि ये जैसे हमारा मैंगो का फ्रूटी जैसे लगे और आप लोग ऐसे बनाकर समर टाइम में एंजॉय कर सकते। आई होप आप लोगों का रेसिपी अच्छा लगे।